कहानी की शुरुआत में ही हम तीन औरतों को देखते हैं, मीनाल, फलक और एंड्रिया। ये तीनों औरतें ही काफी डरी हुई थी और वो लोग अपने घर वापस लौटते हैं। और दूसरी तरफ हम तीन लड़कों को देखते हैं, रौनक, विश्वज्योति और राजीव। और हम देखते हैं कि राजवीर नाम का लड़का काफी जख्मी था और बाकी दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और राजवीर की सर्जरी होती है। फिर हम मीनाल, फलक और एंड्रिया को देखते हैं जो कि अपने घर वापस लौट आते हैं और वो लोग काफी डरे हुए थे। और ये समझ में आता है कि राजवीर के इंजरी के पीछे इन तीनों औरतों का कोई ना कोई हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीनाल, फलक और एंड्रिया तीनों ही न्यू दिल्ली में एक साथ रहते हैं और धीरे धीरे वो लोग इस हादसे को भुलाने की कोशिश करते हैं। और एक दिन मीनाल जॉगिंग के लिए गई थी और वो देखती है कि पार्क में एक आदमी उसकी तरफ ही देख रहे हैं और मीनाल को काफी अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन वो तीनों लड़कियां ही काफी डरी हुई थी कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आदमी मीनाल को देख रहे थे उनका नाम है दीपक और दीपक मीनाल के नेबर थे और उन्हें ये समझ में आ रहा था कि शायद इन तीनों लड़कियों के साथ कुछ हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजवीर अब खतरे से बाहर था, लेकिन उसका फ्रेंड अंकित जब इन सब के बारे में सुनता है तो वो काफी गुस्सा होता है और वो ही बाकी तीन लड़कों को बदला लेने के बारे में कहता है और वो कहता है कि वो उन तीनों लड़कियों को सबक सिखाएगा। इसके बाद धीरे धीरे वो लोग इन तीनों लड़कियों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनाल के लैंडलॉर्ड को वो लोग धमकी देते हैं और उन तीनों को फ्लैट से बाहर निकाल देने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके लैंडलॉर्ड काफी अच्छे इंसान थे इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन वो फलक को फोन करके उनके साथ क्या हुआ था उसके बारे में उसे बताते हैं, जो बात सुनकर फलक काफी परेशान थे। इसके बाद हम देखते हैं कि फलक विश्वज्योति से एक कैफे में मिलने जाती है। दरअसल विश्वज्योति फलक का फ्रेंड और विश्वज्योति ने ही फलक और उसके दोनों दोस्तों को एक पार्टी में बुलाया था जहाँ पर राजवीर और रौनक भी मौजूद थे और वो सब एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे और उन लोगों ने ड्रिंक भी किया था। और इसके बाद ही वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से मीनाल ने राजवीर को इंजर किया और वो तीनों वहाँ से भाग गए थे। विश्वज्योति फलक को कहता है कि वो लोग काफी खतरनाक है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर मीनाल राजवीर से माफी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और फलक को भी ऐसा ही लगता है कि मीनाल को राजवीर से माफी मांग लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीनाल इन सारी बातों को भुला ही नहीं पा रही थी, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है इन तीनों लड़कों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए। लेकिन पुलिस को ये पता था कि दरअसल राजवीर बहुत बड़े पॉलिटिशियन का रिलेटिव है, इसीलिए पुलिस मीनाल का कंप्लेन लेने के लिए मना कर देते हैं। और वो मीनाल को समझाते हैं कि अगर मीनाल केस रजिस्टर करवाएगी तो इसमें उसी की बदनामी होगी। और जब फलक को ये पता चलता है कि मीनाल कंप्लेन फाइल करने वाली थी तो वो उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उन लोगों में झगड़ा होता है। इसके बाद देखा जाता है कि पलक राजवीर को कॉल करती है और वो उसे बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी और वो चाहती थी कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। लेकिन राजवीर उन लोगों के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करता है, जो बातें सुनकर पलक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी राजवीर को उल्टा सीधा सुनाती है और वो कहती है कि वो लोग उन लोगों को जेल भेज कर ही रहेगी। और इसके बाद राजवीर का फ्रेंड अंकित और उसके साथ मिलकर कुछ और लड़के एक दिन शाम को मीनाल को किडनैप कर लेते हैं और कार में ही मीनाल के साथ वो लोग काफी बदतमीजी करते हैं और उसे धमकी भी देते हैं। और जब मीनाल को वो लोग अपने कार में खींच रहे थे तब दीपक ये सब कुछ देख लेते हैं और वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं इसके बारे में, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकित फिर से मीनाल को उसके घर के बाहर ही छोड़कर चला जाता है और मीनाल के साथ जो कुछ भी हुआ था इससे वो काफी डर जाती है। इसके बाद फलक और एंड्रिया मीनाल को संभालते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और इसके बाद एक दिन पुलिस मीनाल को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अरेस्ट करती है और ये सब कुछ दीपक अपने आंखों के सामने देखते हैं। दूसरी तरफ फलक और एंड्रिया मीनाल के बेल के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीनाल का बेल इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था और मीनाल के पापा भी उससे मिलने के लिए आते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि उसी रात को दीपक फलक और एंड्रिया से मिलने के लिए उनके घर आते हैं और वो मीनाल के केस से जुड़े हुए सारे पेपर्स देखते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि मीनाल को बेल मिल जाएगा।
इसके बाद जब फलक और एंड्रिया दीपक के बारे में रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दीपक एक वक्त पर बहुत ही बड़े लॉयर थे, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था। इसके बाद देखा जाता है कि मीनाल के केस को लेकर उन्हें कोई भी लॉयर नहीं मिल रहा था। और फिर फलक और एंड्रिया जाकर दीपक से बात करते हैं और उन्हें ही मीनाल का केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पहले तो दीपक इस बात के लिए मना करते हैं, लेकिन इसके बाद वो भी मीनाल का केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और देखा जाता है कि दीपक मीनाल को बेल दिलवा देते हैं, लेकिन केस यही पर खत्म नहीं होता, बल्कि मीनाल पर जो अटेम्प्ट मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे उन्हें उसे भी हटाना था। इसके बाद वो लोग इस केस को लड़ना शुरू करते हैं। और राजवीर के लॉयर का नाम था प्रशांत मेहरा। इसके बाद देखा जाता है कि कोर्ट में उस रात को लेकर बातें होती है और राजवीर और उसके लॉयर जज के सामने ये कहते हैं कि दरअसल विश्वज्योति ने उन तीनों लड़कियों को इनवाइट किया था और उन सब ने उन लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किया और सब ने एक साथ मिलकर ड्रिंक भी किया था। और इसके बाद ये तीनों लड़कियां ही उन लोगों के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और उन लोगों से पैसों का डिमांड भी किया था, जिस बात से उन लड़कों को लगा कि शायद ये तीनों लड़कियां प्रोस्टिट्यूट से। और राजीव ने उन लोगों को कोई भी पैसा देने के लिए मना कर दिया था और वो लोग उनसे दूर हो गए थे। और मीनाल ने गुस्से में राजवीर पर अटैक कर दिया। और इसके बाद राजवीर के लॉयर प्रशांत मेहरा इन तीनों लड़कियों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों लड़कियों का कैरेक्टर ठीक नहीं है और वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और राजवीर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इन तीनों लड़कियों ने पैसों के लिए ही किया था। दूसरी तरफ मीनाल फलक और एंड्रिया कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि दरअसल उस दिन उन लोगों के साथ इन तीनों लड़कों की मुलाकात हुई थी और फिर पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और उन लोगों ने उनके साथ ड्रिंक भी किया था, लेकिन इसके बाद अचानक राजवीर मीनाल के क्लोज आने की कोशिश करता है और मीनाल जब उसे मना करती है तो राजवीर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मीनाल खुद को बचाने के लिए ही राजवीर पर उसने अटैक किया था। और इसके बाद वो तीनों काफी डर गए थे और वहाँ से वो लोग भाग गए थे। इसके बाद दीपक मीनाल से ये साफ साफ पूछते हैं कि उस दिन मीनाल ने राजवीर को ना कहा था या नहीं, और मीनाल कहती है कि उसने उस दिन राजवीर को इन सब के लिए ना किया था। और इसके बाद दीपक कोर्ट के सामने औरतों के कंसेंट और उनके ना कहने के हक के बारे में बात करते हैं और दीपक साफ साफ ये बात रखते हैं कि अगर कोई औरत किसी मर्द को ना कह रही है तो वो औरत उस मर्द की चाहे जो कुछ भी लगे, पत्नी, गर्लफ्रेंड या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना, उसके ना का मतलब ना ही होता है और ये बात सोसाइटी के हर मर्दों को समझना पड़ेगा। और वो ये भी कहते हैं कि किसी औरतों के कपड़ों को लेकर, उसके शराब पीने को लेकर, उसके देर रात तक घर से बाहर रहने को लेकर और उसके अकेले रहने को लेकर उसे जिस तरह से जज किया जाता है, इस तरह से किसी मर्द को जज नहीं किया जाता। मर्दों के लिए सब कुछ जायज होता है, लेकिन औरतों के लिए बहुत सारी नियम कानून लागू होते हैं और ये सब कुछ इसी समाज के बनाए हुए नियम है। और वो ये बात साफ कर देते हैं कि मीनाल ने उस रात को राजवीर को ना किया था और ना का मतलब ना होता है। और आखिरकार जज फैसला सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मीनाल ने सेल्फ डिफेंस के लिए ही राजवीर पर अटैक किया था और राजवीर, अंकित और रौनक ने जो कुछ भी किया था उसके वजह से उन लोगों पर चार्जेस लगते हैं और उन लोगों पर नए तरीके से केस शुरू होता है और विश्वज्योति को वार्निंग दिया जाता है और कोर्ट में मीनाल और उसके फ्रेंड्स के तरफ ही फैसला सुनाया जाता है। और इस बात से वो सब काफी खुश होते हैं और दीपक भी खुश थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।